बीते दिन श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बथाने विखे छेवीं कन्वोकेशन का आयोजन किया गया। जिस विच पंजाब दे कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक बतौर मुख मेहमान शामिल हुए, जिन्हां दे नाल चंद्र गेंद आईएएस डिविजनल कमिश्नर रूपनगर अते कंवरजीत सिंह शंटी उगे समाज सेवक बतौर विशेष मेहमान शामिल हुए। कन्वोकेशन की शुरुआत अकैडमिक प्रोसेशन नाल की गई। इस मौके आए मेहमानों वालों शमा रोशन की रस्म भी अदा की गई। श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से प्रो चांसलर तुषार पुंज ने आए मेहमाना का मंच तो स्वागत किया। राहों में कलियां ना बिछाओ, हम आंखें बिछाई बैठे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। इट्स अ ब्रिलियंट आफ्टरनून। वी हैव ऑल असेंबल्ड हियर इन श्री राम लुबाया बाबू ऑडिटोरियम ऑफ श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। इट इज अ मैटर ऑफ प्लेजर, इट इज मैटर ऑफ ऑनर फॉर मी ऑन बिहाफ ऑफ श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट to welcome you all on this great convocation 2022.
The Sri Sai Group of Institutes has been working day and night to transform dream into realities with our mission and also our dedication to change the student experience overall. We are not only working on classroom infrastructure, we are also working on new collaborations. SSGI 2.0, which is in process, we have also already in process to launch a lot of initiatives. You might be seeing a lot of them. So we also want that you please be stay in touch with us wherever you are. And this is your second home. Sri Sai Group of Institutes would always be your second home. And once again, I welcome all the dignitaries who have spared time. And I welcome all the alumni who have traveled a long way for us for this important ceremony. This convocation ceremony is the sixth convocation ceremony of Sri Sai Group of Institutes. And thank you so much. प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन गुप्ता ने आए मेहमानों को श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की उपलब्धियों बारे जानू करवाया। आई फील डिलाइटेड टू शेयर विद यू दैट टुडे 498 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड 176 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स विल रिसीव देयर डिग्रीज अंडर दिस कन्वोकेशन। आई एक्सटेंड माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। Now, I'll represent a brief report on the activities and the achievement of Sri Sai Group of Institution Badhani. I welcome you, sir, to the board and thanks for your valuable contribution under this convocation. इस मौके विद्यार्थियों को मुख्य मेहमान वालों डिग्रियां तकसीम की गई।
डिग्री हासिल करने वाले कुछ विद्यार्थियों ने साड़ी टीम नाल अपनी खुशी जाहिर करदिया कहा कि आई एम मोनिका शर्मा, आई एम फ्रेश ग्रेजुएट एंड आज हमारी कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी कॉलेज की और वी फील वेरी गुड, वी फील वेरी एक्साइटेड टू हैव बिकॉज इस दिन का तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार होता है। मतलब हमारी पूरी डिग्री में हमें यही होता है कि हाँ हमारी कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो और हमें ये सब का अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है, सो आई फील वेरी लक्की एंड वेरी हैप्पी टू हैव। थैंक यू। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द ऑल द स्टाफ मेंबर्स एंड द फैकल्टी एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द लाइक वाइस चांसलर, चेयरमैन एंड ऑल द पर्सन्स लिविंग इन द श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट फैमिली एंड वी आर ऑल्सो द सेम फैमिली मेम्बर्स ऑफ द श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। सो टूडे द डे वॉज अ वेरी beautiful day because we all were getting our degrees back and which is a great welcome and a great performa for our further life and which I think this is a very good opportunity for all the students today and for the next tomorrow. In fact, the transformation for the reality into future is very much benefited for all of the students. This deals with a more courtesy of students. And I think I also recommend that every student should come to Shri Sai and participate in the convocation which is being held on 8th of October 2022 and this is a very joyful and very much happiness for all of us. Thank you so much. मैं अपने सारे ही अपने फैकल्टी मेंबर्स, चेयरमैन सर, सबका थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, ठीक है, और हमारा बहुत अच्छे से मतलब वार्म वेलकम किया है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी, ठीक है, वी आर वेटिंग फ्रॉम लास्ट टू ईयर कि जब हमारा कॉन्वोकेशन होगा और हम अपने डिग्री जो है वो लेंगे, कलेक्ट करेंगे। फाइनली वी आर ग्रेजुएटेड नाउ, सो जो यहाँ का जर्नी रहा है वो बहुत ही एक्साइटेड रहा है और हमने बहुत सारे यहाँ पे इन्जॉयमेंट भी किया है, शरारतें भी किया है और स्टडी भी की है, ठीक है, और जो भी अभी यहाँ पे फर्दर न्यू हमारे स्टूडेंट्स आए हैं उन सबके लिए भी है कि बहुत अच्छा कैंपस है हमारा, बहुत अच्छी स्टडी है, आउटडोर इंडोर सब गेम्स भी मिलेंगे आपको, अपना फ्यूचर आपको ब्राइट करने के लिए जो भी नेसेसरी थिंग्स होंगी वो यहाँ पर सब आपको प्रोवाइड की जाएगी। श्री चंद्र गेंद IAS डिवीजनल कमिश्नर रूपनगर ने साड़ी टीम राही विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनावां दित्तियां। मैं दसना चाहवांगा कि पठानकोट दे विच जे कोई माइलस्टोन है तो वह श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है। जे असी कहीए कि पठानकोट की पहचान इस इंस्टीट्यूट नाल जुड़ी हुई है जिहड़ी कि बधानी विखे हैगी है, तो यह गलत नहीं होएगा। अज इहदा 6वां वार्षिक डिग्री समारोह जिहनूं कॉन्वोकेशन कहिंदे अज असी कर रहे हैगे। तकरीबन 350 डिग्रियां तैयार है जिहड़ियां कि साढ़े जिहड़े पास आउट बच्चे हैं उन्होंने देने से जा रहे हैं एंड मैं भी दसांगा कि इस जिहड़ा इंस्टीट्यूट है और इन्हां जिहड़े मालिक है कि मिस्टर पुंज, यह तकरीबन 25 साल तो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही नामी और सोशल इंसान है जिहड़ा कि सिर्फ एजुकेशन नाल नहीं सोशल कम्मां दे विच भी पूरी रुचि रखते हैं और सरकार दीआं जिहड़ियां गाइडलाइनस हैं उन्होंने कभी भी डिसओबे नहीं करते, अच्छे तरीके चलाते हुए अगे वधाते हैं। इस तरह इन्होंने एक पालमपुर के भी यूनिवर्सिटी बनाई है, वह भी बहुत कामयाब तरीके चल रही है। सो मैं समझदा कि जोड़े बच्चे इस यूनिवर्सिटी तो डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं और अगे करे वो अपने आप के एक खुशकिस्मत बच्चे मैं उन्होंने समझागा क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जे अच्छी विद्या प्रदान की जाती है उहदे नाल नाल इह वी इह देखदे ने इहनां दे जिहड़े चांसलर हैगे मिस्टर पुंज कि जिहड़ा कोई बच्चा गरीब घर दा हैगा उहदी फीस दे विच वी कुछ माफ़ी कटौती करना कोई वड्डी गल नहीं हुंदी इहनां लई, जिहड़ी कि बड़ी शलाघा वाली गल हैगी है। सो मैं एक बारी फिर श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और उहनां दे डायरैक्टर मालिक चांसलर मिस्टर पुंज मिस्टर महाजन में साडे नाल बैठे ने, इह वी साडे शहर दी बड़ी जानी मानी हस्ती है पठानकोट दे, मैं सारिआं नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा और उम्मीद करदा कि इस तरह के आने वाले वार्षिक समारोह परमात्मा करे होर बहुत अच्छे तरीके नाल संपन्न हुंदे रहन। अपने संबोधन विच मुख मेहमान लाल चंद कटारू चक कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि बहुत ही सत्कारयोग मेरे प्यारे अजीज पुंज साहब,
भैन जी त्रिपता जी उन्हां दे बेटे इस कॉलेज का सारा स्टाफ और मेरे सामने बैठे मेरे बहुत ही प्यारे फुलां वर्गे बच्चे हो सब तो पहलों तो धन्यवाद साहब नूं मुबारकां दिल दी गहराइयां तो तुसी अज खुश हो के इस कॉलेज तो अपने अपने घर नूं रवाना होना और मेरे लिए भागां वाला इवेंट है कि मैं तुहाडे दरमियान तुहाडे हत्थां च फड़ी हुई उस मेहनत नूं जो देख रहा तो मैं ये समझ रहा कि तुसी साडे देश का भविख हो तुसी ओ फुल हो जिन्हां ने अजे होर खिड़ना अपने जीवन के अंदर सो मैं केवल तुहाडे दरम्यान जो आके तुहानू मुखातब हो रहा तो मैं जरूर कहांगा कि अज तुसी अपने दोस्तों नू मित्रां नू जरूर पार्टी देनी होएगी जरूर वादा किया होएगा कि अज मैनू डिग्री मिलनी है शाम नू चाह पीवांगे बैठांगे ते तुहाडी उड़ीक कर रहे तुहाडे घरां च माँ बाप तुहाडियां भैणां ते भरा जदों ये डिग्री जाके तुसी उन्हां नू दसनी है ते उन्हां लई भी मैं समझदा भी एक गौरव वाली गल है माण वाली गल है भी तुसी तुहाडे परिवार आ जो परिवार बन गए जिन्हां जो डिग्रियां करन वाले बच्चे हो तुसी सो एक ताड़ी अपने लिए जरूर मारो सो जिंदगी दे अंदर कदी भी बैरियर ना कोई टिकन दिओ ये ना सोचो भी ये काम मैं नहीं कर सकता शायद मेरे लिए ये काम औखा है जिंदगी दे अंदर कुछ भी प्राप्त किया जा सकता बस बंदे दी अपनी क्रेडिबिलिटी और बंदे दी अपनी निशाना वह ना खुंजे उहदे लई मेहनत करो तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लाल ने बहुत सारे ऐसे रतन ने जिन्हां ने घोर तपस्या करके गरीबी चो तंगिया चो निकल के देश के अंदर चानण मुनारा पैदा किया और उन्होंने लोगों का इतिहास के अंदर अज असी भी ना लेंदे तुसी भी ना लेंदे हो मेरे कहने तो भाव कभी अपने घर दियाँ तंगियां नूं अपने घर दियाँ हालातों नूं अपनी जिंदगी के अंदर रोड़ा ना बन दिओ तुसी बहुत अगे जाना मेरिया दुआवां ने मेरिया आसा ने मेरिया उम्मीदा ने तुसी अज मैनू इत्थे बुलाया मैं पुंछ साहब का इस इंस्टीट्यूट के टोटल जिहड़े ऑर्गेनाइज कर रहे ने इस मंच नूं उन्हां सब दा दिल दी गहराइयां तो धन्नवाद करदा होया मैं जरूर तुहानूं कहांगा जिंदगी दे अंदर कदी निराश ना होवो। श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स प्रो चांसलर तुषार पुंज ने साडी टीम राहीं विद्यार्थियों नूं अपनी विशेष दिंदे हुए उन्हां दे सुनहरे भविख की कामना की। जी आयां नूं अज साडे कॉलेज विच श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स दे विच 6वां दीक्षांत समारोह करवाया गया है इहदे विच साडे वास्ते बहुत वड्डा खुशी का मौका है कि जिहदे विच साडे बच्चे जिन्होंने अपनी जिंदगी का पहला पड़ाव पढ़ाई का विद्या के खेत्र विच साडे नाल 2 तो 3 साल लगाए तो हुण बहुत वधिया नंबरां नाल जदों हुण अगे आ के उन्होंने हुण अपनी डिग्रियां हासिल कीतियां मैं उन्होंने बहुत मुबारकबाद देना चाहवांगा उन्होंने पेरेंट्स को बहुत मुबारकबाद देना चाहवांगा कि जिन्होंने साईं ग्रुप को मौका दिता कि वो अपने बच्चों की जिंदगियों चेंज करन ते अपने अकैडमिक सपने अपनी जिंदगी दे जिहड़े किते मुकाम पहुँचन विच असी उन्हां दा हिस्सा बन पाए उस चीज़ वास्ते असी बड़े उन्होंने धन्नवादी हाँ। साईं ग्रुप पिछले 26 साल च बहुत काम कर रहा है एजुकेशन के खेत्र च यह बूटा साडे इंजीनियर चेयरमैन श्री एस के पूंजी ने लाया उन्हां दी धर्मपत्नी श्रीमती तृप्ता पूंजी ने उन्होंने नाल शुरू तो काम करके हुण यह बूटा एक वट वृक्ष बन गया
जिदे विच हुण अनगिनत कोर्सेज आ गए हैं जिदे विच एक स्कूल तो लैके PhD डिग्री तक लोगों दी जाती है। ए विद्या का खेतर की जो जिम्मेदारी साड़ी लगी है असी अगे आके होर भी लोगों की काम करते रहेंगे लोगों की पढ़ाते रहेंगे। तो असी मैं एक गल होर एक गल जरूर थोड़े नाल शेयर करांगा कि साइंस ग्रुप के अंदर असी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत करिकुलम अपडेट होर इंटरनेशनल लैवल से एक्सपोजर बच्चों नू लैन की कोशिश कर रहे हैं जिदे विच इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आप हथी आके बच्चों का गाइड करते हैं बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं फिर तुहाडे राही सारे स्रोतों नू मैं कहांगा कि जो साडे बच्चों नू अज दीक्षांत समारोह डिग्रियां मिली हैं उन्होंने सपने पूरे होन। अज दे जिहड़े चीफ गैसट श्री लाल चंद कटारू जी ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब गवर्नमेंट उन्हों का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों साढ़े बच्चों इन्ना टाइम इन्ना प्रोत्साहन तो इन्ना मोटिवेशन दिता कि सारे बच्चे बहुत खुशी नाल खुशी की लहर लैके बहुत सारी यादा लैके इस कॉलेज तो जा रहे हैं। तो मैं उन्होंने बहुत खुशियाँ देना तो बहुत बेस्ट विशेज देना। वोट ऑफ थैंक्स की रसम प्रोफेसर सुलक्ष मुरगई डायरेक्टर प्लेसमेंट ने निभाई। पठानकोट के अंदर बड़ा नामवर इंस्टीट्यूट साई कॉलेज बधाणी जिथे अज सेमी कॉन्वोकेशन सी और इस इंस्टीट्यूट के रहनुमा दे मालक SK पोंजी और उन्होंने जी सारी टीम वालों अज बड़ा शानदार इतने इवेंट ऑर्गेनाइज किया और मैं खुशी है भी इतने इन्होंने मैं बुलाया और लगभग 400 स्टूडेंट जिहड़ा अज इत्थों पढ़ाई तो बाद डिग्रियां प्राप्त करके गया जिन्हां च खुशी इस गल दी है कि 10 बच्चे गोल्ड मैडलिस्ट भी ने और इस तो भी वड्डी खुशी है कि 10 दे विच्चों 3 साडियां बच्चियां ने धीआं ने सो 9 बच्चियां ने सो बड़ा अच्छा माहौल बड़ा अच्छा लग्या जदों बच्चियां नूं पढ़ाई दीआं पौड़ियाँ चढ़ते देखते हैं। सो अज इन बच्चों मुबारखा वो नाल रहने जोड़े मापे ने उन्होंने भी मेरे वालों मुबारक और मैं आस तो उम्मीद करना यह इंस्टीट्यूट इस इलाके की और समुचे जोड़ा साडा एरिया है जिदे अंदर हिमाचल तो बहुत वीडी तादाद स्टूडेंट अज भी मैं देखे मैं मिले JNK के और मल्टी स्टेट्स जोड़े आ स्टूडेंट इतने एजुकेट हो के जा रहे एजुकेशन लै रहे हैं। सो बड़ा नामवर और मैं आस उम्मीद करदा ये होर बुलंदियों पर पहुँचे होर बुलंदियों सूबे तो एजुकेशन के जोड़े म्यार ने एजुकेशन का जोड़ा बिल्कुल कमरशलाइजेशन हो गया समाज के अंदर वो तो थोड़ा जहा लांबे जाके ये आम गरीब परिवार के बच्चों भी जिस तरह ये एक स्पैशल उन्होंने इन्हां दी अप्रोच चंगी अप्रोच उन्हां बारे उन्हां नूं एजुकेट करदे आ। सो मेरे वल्लों अज उन्हां बच्चियां नूं उन्हां दे मापियां नूं भी मुबारकां। सो इस कॉलेज ने इत्थे बुलाया इन्हां दा भी दिल दी गहराइयां तों धन्नवाद।
इस प्रकार कन्वोकेशन का कार्यक्रम अपने आप विच बहुत ही सार्थक हो निपड़िया।